हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी तीज। आप लोग की तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं तीज पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल डिजर्ट, ऑरेंज पल्प रबड़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही आसान होती है और बहुत ही डिफरेंट होती है। ये देखिए, हमने बनाया है ऑरेंज पल्प रबड़ी। देखिए, बहुत ही देखने में खूबसूरत भी है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये कैसे बनती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऑरेंज पल्प रबड़ी कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत ही डिफरेंट। देखिए, इसको बनाने के लिए हमने ये देखिए, हमने ये दूध लिया है। दूध को हम 15 से 20 मिनट हो गया है, इसे हम गर्म कर रहे हैं और इसको थिक कर रहे हैं। देखिए, ये हम 20 मिनट पहले से इसको मीडियम फ्लेम पर रख रखे हैं। मीडियम फ्लेम पर ये दूध हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है, थिक हो रहा है। 1 लीटर दूध है ये। 1 लीटर दूध को हमने 20 मिनट पहले फ्लेम पर रखा था और ये देखिए, धीरे धीरे ये इतना थिक हो गया है। जब इसका 3 हिस्सा दूध जल जाए और 1 हिस्सा ही बचे, ऑलमोस्ट समझिए आधा से ज्यादा दूध हमारा ये जल जाना चाहिए, बर्न होना चाहिए, और फिर हमारा आधे से थोड़ा कम दूध बचेगा, इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो हम इसमें मिलाएंगे शुगर। ये देखिए, हमने इसमें शुगर लिया है। शुगर हम इसमें डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून। हमने अभी इसमें शुगर डाला है। ये जिसको लाइट शुगर पसंद है उसके लिए है, और जिसे ठीक ठीक शुगर चाहिए, बहुत हल्का नहीं चाहिए, तो इसमें 2 टेबल स्पून शुगर वो और बढ़ा लेगा। हल्की शुगर चाहिए तो सिर्फ 4 टेबल स्पून डालिएगा, और अच्छा मीठा पसंद है तो फिर आप इसमें 6 टेबल स्पून शुगर डालिएगा और इसे मिक्स करिएगा। रबड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, तो हमने इसमें शुगर मिलाया है। देखिए, दूध कितना गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। ये मिल्क हमारा आपको दिख रहा है। ये देखिए, इसे हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो पैन में चिपक जाएगा दूध और स्मेल आ जाएगी। इस वजह से दूध को लगातार चलाती रहिए और दूध को इस तरह से गाढ़ा करते रहिए। अब हम इसमें मिला रहे हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर। ये रहा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को इसमें डाला। इलायची पाउडर डाल के हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे पूरी अच्छे से, पूरे में दूध में, पूरे रबड़ी में इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये ठीक हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद कर दिया। इतना ठीक होना चाहिए दूध, इसे कम मत रखिएगा। ये रबड़ी हमारी रेडी हो गई है। दूध की हमें पहले रबड़ी बना लेनी है और अब हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं बाउल में। सारी रबड़ी हम इस बाउल में शिफ्ट कर ले रहे हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। रबड़ी अभी बहुत गर्म है, आप देख रहे होंगे, इसे हम साइड में रख देते हैं कि रबड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और अब हम तैयार करते हैं ऑरेंज। ये देखिए, ये ऑरेंज, ऑरेंज को किस तरह से कटिंग करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। एक ऑरेंज लिया हमने अभी, ये देखिए, ऑरेंज का साइज छोटा बड़ा आप जैसा भी ले सकती हैं, वैसा आप ले सकती हैं ऑरेंज में। अब ऑरेंज को एक साइड से हम कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऑरेंज को कट किया, और ये हम स्कूपर होता है या पीलर भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज है इसमें। इससे हम बीच में इसको इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर करेंगे और बीच में इस तरह से राउंड घुमाइए। ये राउंड घुमाने पे इसके अंदर जो देखिए सीड्स हैं, इसमें बीज आ गया है,
इस बीज को हम साइड में निकाल लेंगे। और अब इसके अंदर इस तरह से सुखाते हुए इसका रस बाहर करेंगे और इसके अंदर के सारे पल्प को हम बाहर निकालेंगे। ये ऑरेंज पल्प रबड़ी है, तो ऑरेंज पल्प रबड़ी के पल्प को हम बाहर पहले निकालेंगे। इसे बहुत आराम से कीजिएगा, इसका पल्प निकालते समय ऑरेंज की स्किन फटनी नहीं चाहिए। ये देखिए धीरे धीरे करते हुए इसका रस भी बाहर आएगा और इसका पल्प भी बाहर आएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से इसको निकालना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिफरेंट डेसर्ट होता है। आप मार्केट में इसे आप बहुत सर्च करोगे तो शायद मिल जाए, पर आप घर पे बनाओ, घर पे आपका फ्रेश बनेगा, प्योर रहेगा और बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसमें अपनी इच्छा के, अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शुगर वगैरह आप जैसा भी चाहो ऐड कर सकते हो और बहुत ही इसको टेस्टी बना सकते हो आप इसको। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हम इसके अंदर के पल्प को बाहर कर रहे हैं, रस भी बाहर हो रहा है और इसका जूस बाहर निकल रहा है और साथ में पल्प भी बाहर आ रहा है। ये देखिए आप स्पून से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये स्कूपर या पिलर ही चाहिए इस तरह का, आप स्कूपर से भी कर स्पून से भी कर सकते हो। और अभी हम ऑरेंज पल्प रबड़ी जो बनाएंगे इसमें हम इसका जूस और इसका पल्प सारा यूज कर लेंगे, इसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको, देखिए पूरा हमने इसको खाली कर लिया है, आपको दिख रहा होगा एकदम खाली हो गया है। और इसको हम इस तरह से देखिए, हमने ये और भी ऑरेंज जो है जिसको सारा हमने खाली किया है, ये देखिए ये हमने पहले से ही इसको खाली करके रखा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की सीड को पहले हम अलग कर लेंगे, इसमें जितने भी बीज होंगे इस बीज को अलग कर लीजिए क्योंकि ये अगर खाने में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए सारे सीड्स हमने अलग कर लिए इसके। और अब हम इसके अंदर जो पल्प है, अगर पल्प के साइज बड़े हैं तो इसे आप काट के छोटा कर लीजिए नाइफ की मदद से, इस तरह से इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, कट कर लीजिए इसको इस तरह से। ये देखिए हमने इसे सारा कट कर लिया और इसे आप हमें एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने पहले भी जो ऑरेंज हमने सब खाली किया है उसका ये पल्प है, इस पल्प को भी हम इसी में डाल रहे हैं। ये चार ऑरेंज लिया है, फोर ऑरेंज है, उस ऑरेंज का ये पल्प है और ये जूस है, ये सब एक साथ ही रखेंगे, अलग नहीं रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू, ड्राई फ्रूट का इसमें बहुत अच्छा रोल है, ड्राई फ्रूट डालना कंपलसरी है, थोड़ा सा पिस्ता और इसमें डालेंगे किशमिश, बादाम, बादाम को आप थोड़ा सा चॉप करिएगा इस तरह से, बहुत आपको बारीक नहीं चॉप करना है, थोड़े से मोटे मोटे इस तरह से, बहुत पतला नहीं करना है इस तरह से बादाम को हम, आप देख रहे हैं बादाम को हम थोड़ा मोटा काट रहे हैं, पतला नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसमें बादाम भी, और इसे हम मिक्स कर रहे हैं।
काजू, बादाम, पिस्ता, आपके पास अंजीर है अगर आपको अंजीर पसंद है तो आप इसमें अंजीर भी डाल सकते हो बारीक चॉप करके। तीज में और किसी भी अगर त्योहार पे हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत में हम ये डेजर्ट बहुत इजीली खा सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम फास्ट कर रखे हैं तो फास्ट में हमारे लिए ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा है। अब देखिए हमने जो रबड़ी तैयार की थी, ये रबड़ी ये ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है, इसे हमने एसी के सामने रखा था तो ये ठंडा हो गया है। ठंडी होने आने के बाद ये रबड़ी और भी थिक हो जाती है, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे, रबड़ी में डालेंगे हम थोड़ा सा एसेंस डालेंगे। आप इसमें रोज एसेंस डाल सकती हैं या फिर आप इसमें केवड़ा एसेंस, ये देखिए हम इसमें 1 टीस्पून एसेंस डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालेंगी तो अच्छा फ्लेवर आएगा, और नहीं भी डाल रहे हो आपकी इच्छा नहीं है तो आप कोई बात नहीं आप इसको मत डालिए, पर डालेंगी तो अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा केसर। इसमें हमने थोड़ा सा केसर डाला है, बाकी हम डेकोरेशन में यूज करेंगे केसर को। ये देखिए, और अब ये ऑरेंज और ड्राई फ्रूट का जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ है ये हम इस रबड़ी में मिक्स करेंगे। इसे ये याद रखिएगा, रबड़ी जब ठंडी हो जाएगी तभी हम इसके अंदर ऑरेंज का जूस और पल्प डालेंगे। अगर रबड़ी गर्म रहेगी और उसमें हम ऑरेंज का जूस और पल्प डाल देंगे तो रबड़ी का जो टेक्सचर खराब हो जाएगा, वो रबड़ी थोड़ी सी फट जाएगी, जिस तरह से दूध कर्डल हो जाता है, फट जाता है, तो रबड़ी का भी टेस्ट बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, रबड़ी हमारी ठंडी हो जानी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इसके अंदर ऑरेंज जूस और उसका पल्प मिलाएंगे। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम इसे इसके अंदर भरेंगे। देखिए इस तरह से ऑरेंज को आप इसमें भर लीजिए। ये बहुत ही डिफरेंट डेजर्ट है, आप पार्टी में भी यूज कर सकते हैं, अगर व्रत है घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप बनाइए। बच्चों के लिए आप इसमें थोड़ा सा आप टूटी फ्रूटी मिला सकती हैं, अगर बच्चों की पार्टी है आप उसमें छोटे साइज के ऑरेंज लीजिए और इसके अंदर टूटी फ्रूटी मिला दीजिए।
ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगाएंगे, थोड़े से इसका डेकोरेशन हम ड्राई फ्रूट से करेंगे। थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश। लग रहा है डिफरेंट ना? अब आप इसे तीज के व्रत में खाइए, या फिर आप चतुर्थी पे बनाइए, या फिर आप होली दीपावली बनाइए, बर्थडे पे बनाइए, आपका जैसा मन हो आप उस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हो, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं आप और घर में बनाइए। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला डिजर्ट ये ऑरेंज पल्प रबड़ी। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए, ऑरेंज पल्प रबड़ी है ना डिफरेंट, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखिए ऑरेंज कलर में ये ग्रीन पिस्ता, ये देखिए ऑरेंज पल्प रबड़ी। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ऑरेंज पल्प रबड़ी आपको कैसा लगा, और आप घर पे जरूर बनाइएगा और इसको खा के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए अलग अलग तरह के डेजर्ट वगैरह लेके आऊंगी। अब आप मुझे मेरे चैनल पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये ऑरेंज पल्प रबड़ी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत और कितना स्वादिष्ट होता है ये ऑरेंज पल्प रबड़ी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, मुझे तो ये ऑरेंज पल्प रबड़ी बहुत पसंद आई। अब आप घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। एक बार दोस्तों आप ये रबड़ी बनाने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रखिएगा। फ्रीजर में रखने से ये एकदम ठंडी हो जाएगी और खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगी। तो आप ये ऑरेंज पल्प रबड़ी जरूर बनाइएगा और व्यंजन कुकिंग क्लास के ऐप चैनल पे आप मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको ये डेजर्ट कैसा लगा। व्यंजन कुकिंग क्लासेस से मैं आरती अग्रवाल, धन्यवाद।